Now it's conversation time. So let's start the revision. Here you can see that the list of four questions. We will study them one by one. Let's start with question number one. The question number one is, what is your name? What is your name? इसका मतलब है आपका नाम क्या है? अगर आपके पास कोई आता है वो आपका नाम पूछता है तो वो क्या क्वेश्चन करेगा? What is your नेम तब आप कैसे आंसर करोगे सपोज़ मुझसे आके कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम तो मैं बोलूँगी माय नेम इज़ गरिमा इसका मतलब है मेरा नाम गरिमा है फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसका नाम अब्दुल है कोई आके उससे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम तो वो बोलेगा माय नेम इज़ अब्दुल इसी तरीके से कोई बच्ची है जिसका नाम प्रीति है कोई आगे उससे पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो वो बोलेगी माय नेम इज प्रीति क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर योर बॉय और अ गर्ल आर यू अ बॉय और अ गर्ल इसका मतलब है आप लड़के हो या लड़की हो तो जो बॉय होंगे वो बोलेंगे आई एम अ बॉय मैं एक बॉय हूँ आई एम अ बॉय और जो गर्ल्स होंगी वो बोलेंगी आई एम अ गर्ल आई एम अ गर्ल इसका मतलब है मैं एक लड़की हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ इन विच क्लास डू यू स्टडी इन विच क्लास डू यू स्टडी आप किस क्लास में पढ़ते हो तो अब आप, आप किस क्लास में पढ़ते हो आप क्लास के जी में आ गए हो तो आप क्या आंसर करोगे आई स्टडी इन क्लास के जी आई स्टडी इन क्लास के जी इसका मतलब है मैं क्लास के जी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ आई स्टडी इन क्लास के जी क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू मतलब वो आपसे आपकी एज पूछ रहा है आपकी उम्र पूछ रहा है कि आप कितने साल के हो तो आप क्या बताओगे आई एम सपोज आप फोर ईयर्स के हो तो आप बोलोगे आई एम फोर ईयर्स ओल्ड आई एम फोर ईयर्स ओल्ड जो बच्चे चार साल के हैं वो बोलेंगे आई एम फोर ईयर्स ओल्ड जो बच्चे फाइव ईयर्स के हैं वो बोलेंगे आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड इसका मतलब है मैं पाँच साल का हूँ या मैं चार साल का हूँ आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपसे अगर आप कोई भी ये क्वेश्चंस करेगा और आप अच्छे से आंसर करोगे so practice all the questions daily at your home in this way you will learn all the answer thank you